जौनपुर जौनसार पूरे उत्तराखंड में अपने रीति रिवाजों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि जौनपुर जौनसार ही उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां के लोगों ने आज भी अपनी परंपराओं को जिंदा रखा हुआ है। तो आज हम आपको जौनपुर क्षेत्र के ऐसे ही एक मेले में ले चलते हैं। देखिए जौनपुर टिहरी से आशीष भट्ट की खास रिपोर्ट। जौनपुर के इडवासियों के 15 गांव में इन दिनों जागड़े पर्व की धूमधाम है। क्षेत्र के कई गांवों में भगवान महासु और नाग देवता की पालकी के आने से लोगों में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। गिया कोटे गांव में आयोजित नाग देवता मेला 3 साल के बाद होने से लोगों में उत्साह दोगुना हो गया है। गांव के लोग अपने बीच नाग देवता की पालकी को पाकर बेहद ही उत्साहित हैं। तब हम सब लोग कठोणी पौण तब हमारी मन को अपना पुराणो हम टीका पाउडर दे देख वो बापुड़ बहुत कर हमारी सेवा तो ध्यानियों की सब चचे बचम हमारो बहुत बड़ो राजा जन। पारंपरिक ढोल यंत्रों के साथ गांव में पहुंची नाग देवता की पालकी का स्वागत गांव के महिलाओं ने वेशभूषा और पूजा की थाल के साथ किया। गांव के चौक में पालकी पहुंचने के बाद कई देवता रूपी पशुआ एक साथ अवतरित हो गए हैं, जिससे माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो गया है। क्षेत्र में न्याय और शांति के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। लोगों का कहना है कि गांव के लोग भले ही कहीं भी रहे लेकिन नाग देवता के मेले में गांव जरूर आते हैं। देवता नाग देवता से मानते हैं, ये 15 गांव इडियासियों में घूमता है। जब आते तो पूरे गांव में मेला लगता है। 3 साल से तैयार दर्शन करके मनोकामना कर। हर 3 साल बाद ये हर गाँव में हमारे 15 गाँव पट्टी में घूमेगा। हर गांव एक रात को नाइट होती है इसकी। ये शेष नाग है, इसकी केवल पूजा दूध और चावल से होती है। तो आदमी जैसे हम लोग हैं जो दूर बाहर रहते हैं, वो जब ये हमारे मेला लगता है तो सब दर्शन करने आते हैं। देवभूमि न्यूज़ टिहरी।